तो दोस्तों दिवाली आने वाली है और जियो ने अपना दिवाली ऑफर निकाल दिया है, जिसे जियो कहता है जियो दिवाली दंदनातन ऑफर, जहां पे अगर आप 300 रुपए का रिचार्ज करवाते हो तो आपको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिचार्ज आपको कब करवाना है, कैसे करवाना है, कैशबैक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसे कैसे यूज करना है, और अगर आपने पहले से रिचार्ज करवा लिया है तो क्या ये रिचार्ज आपके नंबर पर काम करेगा। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टॉक जॉकी। तो यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर जियो को जो दिवाली ऊपर चल रहा है, ये चल रहा है 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। यहाँ पर अगर आप 12 से 18 के बीच में 399 का रिचार्ज करवाते हो तो आपको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ये कैशबैक आपको मिलेगा माई जियो की ऐप में, और ये कैशबैक आना शुरू होगा 15 नवंबर से। यानी कि 15 नवंबर से आपके माई जियो की ऐप में 50-50 रुपए के 8 वाउचर आ जाएंगे, जो कि पूरे मिला के 400 रुपए हो जाते हैं। और 15 नवंबर से अगर आप 309 या फिर उसके ऊपर का कोई भी रिचार्ज करवाते हो तो आपके हर रिचार्ज में माई जियो की ऐप से 50 रुपए का 1 वाउचर खत्म हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आप कोई रिचार्ज करवाते हो तो उस कंडीशन में आप एक ही वाउचर यूज कर सकते हो, और अगर आप इसका ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 399 रिचार्ज को एक से ज्यादा बार भी करवा सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपने 399 के 5 रिचार्ज करवा लिए हैं, तो जब आपका एक रिचार्ज का टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही दूसरा रिचार्ज एक्टिवेट होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहे जितने भी रिचार्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये रिचार्ज आपको करवाने होंगे 12 से 18 अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से रिचार्ज करवा लिया होगा, या फिर जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही रिचार्ज करवाया होगा, तो उन लोगों का क्या होगा? तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी यहाँ पे 12 से 18 के बीच में 399 रिचार्ज करवा सकते हो। और जब आपका ये करंट वाला रिचार्ज खत्म होगा उसके बाद आपका 399 का रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको इस रिचार्ज को कैसे करवाना है। तो आप माई जियो ऐप, jio.com, जियो मनी, पेटीएम, अमेजोन पे, फोन पे, जियो स्टोर, रिलायंस डिजिटल, यानी कि ये रिचार्ज आपको ऑनलाइन ही करवाना है। अगर आप ऑफलाइन रिचार्ज करवाते हो, यानी कि अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाके ये रिचार्ज करवाते हो, तो ये ऑफर आपके नंबर पे काम नहीं करेगा। तो आपको ऑनलाइन इन्हीं सब चीजों से रिचार्ज करना है, उसके बाद आपके मोबाइल में 50-50 रुपए के कैशबैक आने शुरू हो जाएंगे, जिसे आप अगले रिचार्ज में ऐड कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जियो वाले सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।